के बारे में, मैं आपको इस पूरी गाड़ी का रिव्यू दूंगा। आपको दो दिन से चलाते चलाते हो गया है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड के बारे में कैसे क्या चलाना है सब कुछ, तो आपको वो चीज़ें बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम आपको दिखाते हैं इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें मेरे को साथ में मिली हैं। ये मैंने मतलब बाद में एक्सेसरीज लगवाई हैं, ये तो मतलब साथ में आती हैं वैसे, और बाद में जो मैंने ये वाली एक्सेसरीज है ये अलग से लगवाई है मैंने, जो कि मेरे साइड के बॉक्सेस आएंगे। ये पूरे मेरे को मतलब पड़ा है 30,000 के आसपास का, जो मतलब रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, ठीक है। और इस तरह भाई इसमें जैसे कि मैंने ये लगा रखा है यहाँ पे, ताकि क्योंकि अगर मान लो कि वो ईट वीट लगे तो मतलब कुछ नुकसान ना हो, तो इसके लिए ये लगा रखा है। पता नहीं 700 या 800 रुपये के आसपास का ये मेरे को मिला था हमें, ये वाला, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ हॉर्न तो मैंने वही लगा रखी है यार, मतलब चेंज नहीं करवा रहा, क्योंकि बाहर घूमना है तो यार चलान कटने का ज़्यादा दिक्कत है। आप पास में ही है। सो जैसे कि आपको पता है ये स्पीड मीटर हो गया, ये टाइमिंग के लिए इन्होंने दे रखा है, ऑयल का भी देखो दे रखा है इन्होंने कि पहले नहीं आया करता था ऑयल के लिए, ठीक है। और ABS ऑन करने के लिए ये दबा के आपको बटन को, दोनों बटन को साथ में प्रेस करना है, तो ये आपका ABS हो जाएगा ऑन, और ऑफ भी आपका यहीं से ही होगा। उस टाइम पे आपके यहाँ पे लाइट हट जाएगी, ये इस तरह यहाँ पे भी जरा है ना, ABS ऑन है ये, जैसे कि मैं दो का ऑन हो जाएगा। और ये बैटरी का इंडिकेट कर रहा है, अगर इन केस आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे भी एक ऐसे इंडिकेट करेगा आपको कि इंजन में आपके प्रॉब्लम है, बट अभी फिलहाल तो दिख रहा है ये, जैसे कि अभी फिलहाल जैसे ऑन करोगे तो ऐसा रहेगा, मगर इन केस कोई इशू होगा तो आपको यहाँ पे सिग्नल करेगा, ये न्यूट्रल का साइन करेगा अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है ये नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं ब्लैक कर दूंगा तो जो हाफ जो व्यू आता है वो आपको आर पार दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें नॉर्मली मतलब डेली ट्रैवलर बॉय अपना यूट्यूब चैनल का इसमें नाम इसमें लिखवाया है बस, बाकी मैंने इसे मैट ब्लैक नहीं करवाया। बाकी अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, मैंने टंकी को मतलब ये जो टंकी है मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट वो लगा रखा है, इसके अंदर पन्नी लगवा रखी है, जो कि मुझे अराउंड 450-350 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट आया मेरे को, ठीक है। अभी कुछ काम और भी बाकी है, उसकी मैं वीडियो आपको बाद में बनाऊंगा, अगर आपको चाहते हो कि मैं जो और भी एक्सेसरी लगवाने वाला हूँ, अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से लगवा रहा हूँ और कितने चार्जेस उसके पड़ेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसकी मैं एक अच्छी से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बंदा है जान पहचाना करोल बाग में अपना, तो उसके पास जाएंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि इस गाड़ी में मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट है, मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग कलर भी हैं, जैसे कि है इसके आर्मी में भी है कैसे, ठीक है, मैट ब्लैक में, ग्रे मैट में, तो मैंने मैट ब्लैक लिया है। पहले मैंने ग्रे मैट लिया था, बट वो 2021 का मॉडल था, फिर अभी जो मैंने लिया है ये ब्लैक मैट में लिया हुआ है, और जो कि 2022 का मॉडल है। अभी तक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी पता थोड़ा बहुत इसमें ना हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे पता नहीं कि ये हीट ये एक्सपेक्टेड है या नहीं, तो मैं अभी भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब अगर 5-6 किलोमीटर चलती है तो काफ़ी ज़्यादा हीट करती है, ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी 200-300 किलोमीटर के आसपास चला दिया इसको, बट अभी मैं इसके बारे में देख रहा हूँ, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको और बतानी बाकी थी, जब मैंने ये लगवाए थे इसके साइड व्हील लगाए थे इसके मैंने बॉक्सेस के लिए, इसमें एक प्रॉब्लम होगी, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ इधर आइए। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे एक गैप है, ठीक है ना, बट ये देखिए यहाँ पे एक गैप नहीं है। तो मैं कल गया था अपने गाड़ी का नंबर लगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको दूसरा दे देंगे, ये डिफेक्टेड पीस है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ना ये वाली जो उंगल है ना, एक उंगल ऐसे पार हो जानी चाहिए ऐसे, वरना आपको बॉक्सेस को निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि अब बात है गाड़ी की हाइट के बारे में, मेरी हाइट होगी 5'5" या 5'6" के आसपास में, जो कि मेरी मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ कि मेरी कितनी इस पे कितना पैर पहुंच जाता है मेरा, ठीक है। मेरा पैर इतना टच होता है, मेरा पैर ही इतना टच होता है दोनों तरफ से, आपको देखो फ्रंट से दिखा देते हैं वहाँ से आप। बाकी गाड़ी का जो बैलेंसिंग है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपके पैर हल्के टच भी हो रहे हैं ना तो भी आप गाड़ी को पूरी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो विद लगेज के साथ में, मतलब तीनों बॉक्सेस के साथ में आपके आगे वाले बैग पूरा प्रॉपर आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो कि जिसकी हाइट मतलब कम है, अगर आपकी 5'5" भी हाइट है, 5'5" हाइट है, तो आराम से इसको चला सकते हो, क्योंकि गाड़ी का बैलेंसिंग इतना अच्छा है ना कि रॉयल एनफील्ड की किसी गाड़ी में भी इतनी अच्छी बैलेंसिंग नहीं है। और इसे मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, और मतलब ऐसे लोकल एरिया में चला रहा हूँ जहाँ पे मतलब लोग काफ़ी आ जाते हैं, गाड़ी एकदम से आ जाती हैं, फिर भी कोई इशू क्रिएट नहीं होता उसमें। बाकी अब तक तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी में से गिरी हुई है, गिरने की चांसेस हुए नहीं, बैलेंसिंग के चक्कर में बहुत अच्छा इसका हो रहा है। जैसे कि आपको देख रहे हैं मेरे पैर उतने खास नहीं पहुँच रहे, बट पहुँच रहे हैं, तो ये बैलेंस इतना हो जाता है। तो जिसकी हाइट 5'5" है, सो यू कैन गो हैड एंड बाय दिस बाइक, सपना पूरा करो, शौक पूरे करो यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी और आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये जो चीज़ें ना मैंने ये मैंने हिमाचल से लिया था अपने बैग के लिए, जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, फिर मैंने इसमें लगा दिया, तो थोड़ा लुक सा आ रहा है,
अभी मतलब गाड़ी में और भी मॉडिफिकेशन चल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को निकलना है तो अभी निकलूँगा कम से कम काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे इस बाइक के साथ में। और तो मुझे कुछ लगता नहीं बताने के लिए, बाकी यार इसके ना सॉफ्टवेयर के बारे में बता दो भाई हमारा। भाई मैंने क्या करा है भाई, हमारे यहाँ का ना बहुत ख़राब रोड है भाई, रोड टूटा फूटा है, गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है उसे, इसको मैंने इतना कुदाया भाई इतना, बाकी मेरे जो कैमरा का ना बिल्कुल कैमरा बिल्कुल शेक नहीं किया, और ऊपर से ना जो इसको चलाने का मज़ा आ रहा है, मतलब आपको जैसे कि अगर नॉर्मल गाड़ी होती है तो आपको कमर में थोड़ा लचक सी आएगी या मतलब आपको प्रेशर पड़ेगा, बट इसके इसको चलाते समय गड्ढों में इतना मज़ा सा आता है, आपको बिल्कुल नहीं पता चला है कि आपकी गाड़ी गड्ढे में जा रही है, क्योंकि बनी है इसलिए। और कुछ लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये जो ये आपने मतलब इसे चेंज कराओगे कैसे, भाई ये चेंज इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये गाड़ी बनी है इसीलिए। इसमें क्या होता है, अगर इसमें आप एलॉय व्हील लगाओगे कुछ भी लगाओगे तो वो क्या है कि अगर पत्थर पड़ेगा तो ऐसे एक बार ऐसे हो जाएगा तो टूट जाएगा सीधा, बट ये क्या है लोहे के, ये एक बार ऐसे मुड़ेंगे हद मार के और ऐसे मतलब सीधे हो जाएंगे, तो ये एक चीज़ ये है। और दूसरा क्या है, ये ट्यूबलेस नहीं है, ठीक है, ट्यूब वाली है, तो आपको पंचर बनाना भी सीखना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो मैं ही बनाऊंगा, मैंने भी किसी से बात कर ली मेरी, मेरे को पंचर बनाना सीखना है, क्योंकि अगर मान लो मैं फंस गया तो मैं इसको मतलब मैनेज कर सकूँ। कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद भी सीखनी पड़ेगी, पेज को ओपन करना बंद करना, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने स्पेस है सीट के नीचे, कि आप अपने पेपर्स और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती है, तो आपको दिखाता हूँ कम तो आपको दिखाते हैं कि देखिए खोलिए कैसे। तो ये देखो यहाँ पे एक लॉक है, ठीक है, आपको सबसे पहले इसको घुमाना है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड घुमाने के बाद सबसे पहले आपका ये सीट आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, इस तरफ में ये खुल जाएगा, आपको एक पर्स हेड किट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे रखने के लिए। और दूसरा क्या है, इसे आपको इस तरफ करना है, तो ये आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी आप पेपर भी यहाँ रख देते हो, बट जरूरत नहीं, अगर आप ट्रैवलिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए करो तो आपके पास इतना स्पेस तो रहता ही है। दूसरा इसके पीछे आपकी टूल किट है, जिसमें आपके बेसिक मतलब स्क्रू टाइट करने के लिए, ओपन करने के लिए आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसको वापस बंद करने के लिए आपको कैसे बंद करना है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, उसको ये पीछे की तरफ करना है इस तरह से, और ये बंद, ठीक है, इस तरह ये बंद हो जाएगा। आई ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक, ओके, सो दिस इज़ लाइक माई एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको अब तक बताया है, ठीक है। फिटिंग वाली यार मैं आपको ना दोबारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो के कमेंट में भी ऐड कर दूंगा, अगर मेरे को कुछ पता चलेगा इसके बारे में। मे बी एक्सपेक्टेड हो कि बुलेट क्या ना मैं जितनी हीट करती है उसके हिसाब से ये रेसिंग कुदरती है, मेरे को इतना मैंने मतलब मैंने सुना था कि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड के साथ में, बट टिल नाउ अभी तक बहुत अच्छा रहा है। तो भाई इसके आप फ्यूज़ के बारे में बताता हूँ, जैसे आप डिक्की खोलोगे आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, सो ये फ्यूज़ हैं, और यहाँ पे 3-4 फ्यूज़ एक्स्ट्रा भी दे रखी हैं, अगर आपका कुछ ख़राब भी हो रहा है तो आप इसके यहाँ पे गाइडेंस दे रखी है, आप उसके हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, और चाहो तो फ्यूज़ निकाल भी सकते हो, कोई गाड़ी बंदा स्टार्ट भी ना कर सके, ठीक है। सो ये इस तरह बंद होगा और इस तरह ऊपर प्रेस ऊपर खींचने पे पुल करने पे खुल जाएगा, तो ये बताना था आपको, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या है कि इसकी टंकी भाई 15 लीटर की है, बहुत मतलब ज़्यादा होती है तो 15 लीटर की टंकी, और भाई सही पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है इसमें पेट्रोल भरवाने का, मैं तो इस पर स्पीड का पेट्रोल भरवाता हूँ क्योंकि गाड़ी थोड़ी महंगी है, तो भाई थोड़ा जितना हो सके उसे अच्छी तरह मैनेज करके रखिए, ठीक है। और मेरा अभी तक इतना एक्सपीरियंस रहा है जितना मेरे को पर्सनली पता है, आपको मैंने बताया, मुझे पता है कि काफ़ी डिटेल नहीं है, बट जितना है मेरे हिसाब से भी इतना ही है ये, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ आगे से। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना आप लोग, ठीक है ना, जो कि इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंस में लगवाने जाने वाला हूँ चौड़ बाग में, ठीक है। तो स्टे सेफ एंड कीप स्माइल, थैंक यू।